हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं सम्राट की पाठशाला की जो नई वीडियो आई है, दैट इज देश संकट में है का एपिसोड नंबर 8। इसमें 13 घंटा बाई सम्राट की पाठशाला। तो यार मतलब बड़े दिनों बाद आई है वीडियो, है ना? मतलब है ना, कंसिस्टेंट रहने की वर्ड विगन से वादा किया गया है, लेकिन वो तो मतलब पूरा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, टुडे वी आर हियर विद द सम्राट की पाठशाला की नई वीडियो। सो हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी, चलिए देखते हैं। तो क्या हाल है? वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ देश संकट में। काफी टाइम के बाद ये सीरीज आ रही है, क्यों है ना? और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए भाई साहब इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी, मतलब मुझसे ज्यादा बेताब तो तुम लग रहे थे भाई साहब। मतलब समझ रहा हूँ मैं तुम्हारी दिक्कत। अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। अच्छा अच्छा, सब समझता हूँ। खैर कोई ना, देर आए दुरुस्त आए। तो भाइयों, मोहल्ले की भाभियों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। पिछली बार जब ये सीरीज आई थी ना, तब से लेके अब तक लोगों में काफी बदलाव आ चुका भाई साहब। मतलब आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो लोग पिकाचू से माँ की चू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अबे इतने बकचोदी आ कहाँ से रही है लोगों में? हमारे पास तो उतनी नहीं है। ये क्या है? ये पुरानी वाली वीडियो भाई दुबे, लेकिन मजा तो अभी भी आता है। अबे कोई छोटा मोटा भारत रत्न हो तो इस भाई को दिलवा दो, मैं बता रहा हूँ ऐसी कला फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब इस लेवल की अद्भुत कला का प्रदर्शन कर दिया इस भाई ने। मतलब कतई दांतों के बीच में जनरेटर सा चला दिया लौंडे ने। देख रहे हो तुम? है बस की किसी के नहीं, मतलब हो तो बता देना मुझको, मैं पर्सनली शेयर करूंगा भाई साहब इंस्टाग्राम पे। अगर आपकी नजर में ये बकैती है तो फिर आप इसको क्या कहोगे? औकात देखेगी। फिर लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट हो गया। अबे जब ऐसी हरकत करिएगा तो राष्ट्रपति से मेडल थोड़ी मिलेगा। हकीकत तो ये है, लोगों को जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ बकैती कर रहे हैं। अब मुझे ही देख लो, मुझे जरा सा टाइम मिला, मैंने भाई साहब अभी अभी ऑनलाइन शॉपिंग कर ली और कैशबैक को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। अरे वाह, कैसे? अरे मेरे भोले पंछी, ये कारनामा किया है कैश करो ने। कैश करो एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको 1500 से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग साइट रजिस्टर्ड मिलेंगी, और अभी तो अमेजोन, अजियो, मिंत्रा इन सब पे सेल भी चल रही है। तो आप भी सोचो, अगर सेल के ऊपर भी आपको कैशबैक मिल जाए जिसको आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकूं, तो कैसा रहेगा, है ना मजेदार? अरे ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, हमारे देश के माननीय इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और इस पे शॉपिंग करना बहुत ही आसान है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जाकर प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और कोड में आप सम्राट25 डालोगे तो आपको 25 रुपए का कैशबैक तुरंत ही मिल जाएगा। और उसके बाद कोई भी वेबसाइट सेलेक्ट करो, ऑरेंज बटन पे टैप करो, अब जैसे शॉपिंग करते हो वैसे शॉपिंग कर लो। चेकआउट करने के बाद कैश करो कि माई अर्निंग सेक्शन में जाकर आप अपना कैशबैक जाकर चेक कर सकते हैं। अब चाहे उस कैशबैक को आप अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर लो या फिर अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स में कन्वर्ट कर लो, वो आपकी मर्जी। और अभी तो कैश करो की तरफ से गिव अवे भी चल रहा है, जिसमें से 5 लकी विनर को अमेजोन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे और किसी एक व्यक्ति को 2000 रुपए का बोट का ब्लूटूथ का स्पीकर मिलेगा। तो देख क्या रही हो, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, जाओ भैया डाउनलोड करो और इस अवसर का लाभ उठाओ। और अगर लाभ उठा लिया है तो अब इस भाई की बकचोदी देखो। मतलब ये भाई बड़ी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। मतलब लोगों में चुल्ल होती है ना कि दूसरे को परेशान करना ही करना है, तो ये साला वही चिरांद है। अब ये भाई शांति से कार को रिपेयर कर रहा है, वो भी सोच रहा है कि साला टायर घुमा रहा हूँ तो खटखट खट की आवाज आ कहाँ से रही है, टकरा कुछ रहा नहीं है। वाह अच्छा। ऐसे बकचोद लोग आपको बहुत कम मिलेंगे। ये भाई साहब वही लौंडे जो सुहागरात पर सुहागरात मनाने से ज्यादा बेड हिलाने पर फोकस करते हैं। कुछ सेंस है इस बात का? ये पहले भी देख चुका हूं। जब आदमी का बकचोदी करने का मूड होता है ना, तो वो कैसे भी कर लेता है भाई साहब। और आजकल तो भलाई का जमाना भी नहीं है, तुम किसी की भलाई करने की सोचोगे और वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा जाएगा। अब जैसे कि ये भाई, इसको इसके उस्ताद ने बोला होगा साइलेंसर पे पाम धर के बैठ जा, इंजन में दिक्कत आ रही है। भाई भोला था, बैठ गया, उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लो, मुझसे मत पूछो। आपने आज तक सुना होगा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। आज तुमने भाई साहब लत्ता काले होते देख लिए होंगे। अबे भैंसते भी कार्य कर दिए लत्ता, मजाक की भी हद होती है भाई, हंस और रहे हैं। अब जब बात मजाक की हो ही रही है तो जरा आप इसको देखो। ये
ये किस टाइप का मजाक है? लौंडे की मर्दानगी को चैलेंज कर रहे हैं भाई साहब। मतलब एक आ रहा एक जा रहा, जब वो गेट खोलने आता तो साले सबरे चिपक जाते हैं। अरे अरे आन दो भैया बाहर, भाई का पता भाई घनो जोर से काम लग रहा हो या पेशाब लग रहा हो। जब वो आता गेट खोलने के लिए साला कुंडी ते कौवा बन के लटक जा मैं। क्या हो रहा है? और मैं सच बता रहा हूँ, इस दुनिया के सबसे खतरनाक अगर जगह कोई है तो वो है बॉयज हॉस्टल। वहाँ रहते जानवर, मतलब सालों को रात को पता नहीं कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। अब ये आपको बुलाने वाली एक्टिविटी देख लो, आधे भैया सो रहे हैं, आधे भैया जग रहे हैं, आधे किसी चार्ली नाम के लौंडे को बुला रहे हैं। चार्ली को बुला रहे हैं, चार्ली ने जरा सी पोजीशन क्या बताई, हटके 64 हो गई। वैसे भगे बड़े जोर से तो सारे क्या हो रहा है? खैर जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, लौंडे काफी तेज हो गए हैं भाई साहब। मतलब कि यूं समझ लो कुछ भी कर रहे हैं भाई साहब लोग आजकल। वो इतना टैलेंट कहाँ रखते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे कि ये क्लिप भाई साहब, जिस हिसाब से इसने ब्रेड खोला है ना, मैं लिख कर देता हूँ आधी से ज्यादा जिंदगी का टाइम इसका बंगाल की खाड़ी में बीता। ये कला काफी एक्सपीरियंस के बाद आती है भाई साहब, मत मानो मेरी बात, पूछ लो किसी बड़े बुजुर्ग से। और बात जब लड़कियों की हो ही रही है तो सोशल मीडिया पर असली आतंक तो लड़कियों ने मचा रखा। हेलो फ्रेंड, केला खाओगे? ठीक है मैं ही खा लेती हूँ। भाई ये क्या खिला रही है लड़कियों? मैं बता रहा हूँ, ये जिस टाइप का केला खाने का ऑफर दे रही है ना, गलती से ही मत खा लेना, वरना अगले दिन अखबार में इस टाइप की खबरें छप जाएंगी। केला खाने से महिला हुई प्रेग्नेंट। अबे कौन सा केला खा लिया? और जिस हिसाब से केला खा रही है, मैं बता रहा हूँ भाई साहब, उसका पूरा शेक बना के पी लो। जमाना बहुत खराब चल रहा है भाई साहब। और लड़कियों को तो छोड़ो, आजकल तो आंटी बड़ी फुल फॉर्म में चल रही है। बारी बार सिखाने गई सी खाट के लिए अंदर छोटा, हाय मेरा मोटा, हाय मेरा मोटा, आई लव यू मोटे, आज आका आज एक जुम्मा, पता नहीं वीरवार है कि जुम्मा आज है, था जुम्मा ले लबा भी रंजीत कौर दा जुम्मा। ये सोशल मीडिया का जो दरवाजा है ना, दूर से बड़ा चमकीला दिखता है, अंदर टट्टी टट्टी भर रही है। तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, काहे कूद रही हो इसमें? इनको कोई मीम पेज वाला आपका मीम बना दे, अच्छा लगेगा। ये आजकल के लौंडे लपाड़ों के कहने पे बताओ, ये साला खुद बर्बाद है। इन्होंने पूरी जिंदगी आई स्पाई को आई स्पाइस बोला है, तो किनका भरोसा कर रही हो? ये जो सोशल मीडिया पे गू, इन्हीं को करने दो। थैंक यू रंजीत कौर भाभी वालों। और नए नए लौंडे लपाड़े हरकतें कैसे कर रहे हैं ये तो सबको ही पता है। हाय, अरे उस दिन क्लब में मिले थे ना, मैं तुम्हारा नाम पूछना भूल गई। राहुल। अरे पीछे क्या लगाते हो? वो डिपेंड करता है आपको तेल पसंद है या वैसलीन। ओह नो। अरे सरनेम की बात कर रही हूँ। अब बताओ मैं क्या बोलूँ, नाम नहीं पूछा है, वैसलीन और तेल की बातें चल रही हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, ए म्यूजिक चेंज करो बे। अच्छा ओके, फुल फील में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि क्या करोगे इतना वैसलीन और तेल खरीद कर। अच्छा गौर फरमाइएगा कि क्या करोगे इतना वैसलीन और तेल खरीद कर, पहले लड़की तो पटा लो यारो। शायरी कैसी लगी? रुको मैं शायरी है ना इंस्टाग्राम पे डाल दूं। तुम लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, शर्म नहीं आ रही होगी? बस लड़कियों की फॉलो कर लो तुम। अरे भाई का पुराना अकाउंट डिलीट हो गया, इस बात की चिंता नहीं है तुम्हें? अबे मुझे भी 1 मिलियन करना है बे। तुम्हें क्या लगता है मेरा मुजरा करने का मन नहीं करता? मेरा भी करता है, बहुत करता है। 1 लाख होते ही मैं मुजरा स्टार्ट कर दूंगा, क्या बात कर रहे हो तुम? अबे सच में नहीं करूंगा बे। आगे चलते हैं। इस देश के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या है गर्लफ्रेंड का ना होना। जॉब आज भी दूसरे नंबर पे है, नहीं जॉब तो तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे तो आज भी रूम का जुगाड़ ना होना। फिर जो भी हो, असली मुद्दा ये है, जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं है वो परेशान है, और जिनकी गर्लफ्रेंड है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग ही बकेती पील रहे हैं। ऐसे वीडियो देख के दिल से बुरा लगता है भाई साहब। आखिर साले हम सिंगल हैं ही, तो कम से कम एक बेस्ट फ्रेंड ही बन जाती जिसके साथ हम ये वाला प्रैंक कर लेते। अरे प्यारी समझ गई, डर गई।
गई बहन डर गई। भाई साहब इस टाइप के लोगों का कुछ नहीं पता, ये साला आज केला पकड़ा रहा है कल पता नहीं क्या पकड़ा दे। मैं बता रहा हूँ लड़की दूर रहा करो ऐसे लोंडो से। अबे ये अपने बाप के आगे ऐसी बकैती कर लेते हैं भाई साहब। भैया मैं करूँ ना मेरे बाप के आगे ढूंढेगा मेरा बापू। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस धरती पर पैदा क्यों हुए। जिनकी गर्लफ्रेंड है वो अलग मजे ले रहे हैं। अच्छा क्या हो रहा है। जिनकी शादी हो गई है वो अलग लेवल की बकैती कर रहे हैं। भाई कहाँ जा रहा है? भैंस चराने। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? क्या यार पास दोनों ही नहीं है वो ऐसी हरकतों को कर रहे हैं। कोयल सी तेरी बोली पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। ये हनी सिंह कहाँ से आ गया? हनी पाजी लव यू मुद्दे पे आओ। पहली बात तो ये कौवे की आवाज है और दूसरी बात अगर ये वीडियो कोयल ने देख ली तो भाई साहब वो अपनी नसबंदी करके मंगल ग्रह पे निकल जाएगी। मतलब नसबंदी होती है कोयलों की। अबे हर किसी के बस में नहीं है इतनी बकचोदी झेलना। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही आएगा और वीडियो अभी यहीं खत्म नहीं है। जाते जाते मैं तुम लोगों का पूरा मनोरंजन करके जाऊंगा भाई साहब। आज तुमको पता लगेगा कि एक लॉन्डो के ग्रुप में गाना गाना कितना कठिन होता है। अगर आपको हंसी आ जाए तो कसम से बोलना सब्सक्राइब तो बनता है। ध्यान रखना। My love the boy you care, never tava, never care. I love never, never, never do you me. Lyrics nahi aate, same here, mujhe bhi, isliye main gaati nahi. Oh, 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 I never let me. Good night, Ajmi. I'll be messed up. Another glass and marry me. Okay, abhi to matlab pure suri toot gaya. Yes, so good. Oh, वो लास्ट वाला बंदा देख रहे हो कितना सीरियस है, तब से हंसने रहा है वो। Oh, 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 you know you love me, I know you can, the shop enough, you know you can, you are my love, you are my love, 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 love. You can, oh, 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 sorry, I don't. No one can. Okay. As Prince Sagaru Bay. मुझे लगा था वो कुछ अच्छा करेगा, but पूरा ही बड़ी हंसी आ रही है। वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक मारो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो जो हमारी डील हुई थी, और उसके बगल में जो घंटे का नशा उसे दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर कर लेना। अगर फेफड़ों में जान बच रही हो तो फॉलो करो बे इंस्टाग्राम। बाकी शॉपिंग के शौकीन हो तो कैश करो को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इनके गिव अवे में पार्टिसिपेट करो, क्या पता अगले विनर तुम ही हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला।
ओवर एंड आउट। ओके दिस वीडियो यार, मतलब देर संगठन में है वो स्टार्टिंग मेकअप वो जो दिखा है उसके दांत के बीच में लाइक होल था और वो जिब निकल रहा था बाहर। एक्चुअली वी हैव बीन सीन इट, मैंने मतलब मैंने देखा है पुराना वाला वीडियो जब पहली बार देखा था भैया, इतना ज़्यादा हंसे आ रहे सीरियसली। एंड ऑल्सो थोड़ा आज खास होने की वजह से ज़्यादा मतलब हंसी नहीं छूट रही है मेरी, सो प्लीज डू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। लेकिन सीरियसली ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट मेरी खांसी की वजह से मेरी मतलब जो हंसी है बाहर नहीं आ रही है, लेकिन ठीक है यार। और ऑल्सो वो जो लास्ट के जो लाइक छह लौंडे थे, मुझे लगा वो लास्ट वाला मतलब उम्मीद थी भैया मतलब इतना सीरियस हो रहा है वो पूरे वाले वीडियो में, तो अच्छे से करेगा, मुंह खोलते ही बर्बाद क्या यार। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरे इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।